नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं Asus ROG कैमरा एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ पर हमने Redmi डिवाइस के ऊपर जो है Asus ROG कैमरा एप्लीकेशन का जो पोर्ट बिल्ड है इंस्टॉल किया है, एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो इस ROG कैमरा एप्लीकेशन के साथ जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, कौन कौन से डिवाइस के ऊपर जो कैमरा एप्लीकेशन काम करेगा, उसके बारे में ये वीडियो है। वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले पर Asus ROG कैमरा एप्लीकेशन के साथ कुछ इस तरह से पर यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा। ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, पर फोटो, पोर्ट्रेट, टाइम लैप्स, सेल्फी, ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। पर बात कर लेते हैं पर जो है Asus ROG कैमरा एप्लीकेशन जो है कौन कौन से डिवाइस के ऊपर काम करेगा। सबसे पहले यहाँ पर हमने जो है Redmi डिवाइस के ऊपर Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर जो है Asus ROG कैमरा एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है। इसके अलावा Redmi Note 7, MI 2, Poco F1, Poco X3, Realme 5 Pro डिवाइस के साथ भी हमने इस कैमरा एप्लीकेशन को ट्राई करके देखा है, एंड सभी डिवाइस पर काम कर जाएगा। तो यहाँ पर ये जो Asus ROG कैमरा एप्लीकेशन है तो Android 10, Android 11, Android 12, Android 13 के साथ काम कर जाएगा। अभी फिलहाल हमने Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर जो है Android 13 को इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर Android 10 से Android 13 सभी Android वर्जन के साथ ये जो ROG कैमरा एप्लीकेशन जो है काम करेगा। बेसिकली ये जो Asus का जो ROG कैमरा एप्लीकेशन का जो पोर्ट बिल्ड है इसे तैयार किया गया है ROG डिवाइस के ऊपर। Asus का जो ROG फोन देने को मिलता है उसके ऊपर किस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलता है, उसके लिए ये जो पोर्ट बिल्ड है इसे आप यूज करके देख सकते हो आपके डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो Asus का जो ROG कैमरा एप्लीकेशन है तो विदाउट रूट काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है ROG का जो वाटरमार्क है उसे भी ऐड किया गया है। एनीवे सबसे पहले बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है Asus ROG कैमरा एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पर जो है फ्लैश का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, ऑटो ऑन ऑफ, प्लस पर फ्लैश लाइट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर फ्लैश के ऊपर ये सभी ऑप्शन है। प्लस 16:9 का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, यहाँ पर फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, इस तरह से पर जो है जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। प्लस पर जो HDR मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर जो HDR ऑटो का ऑप्शन है, HDR ऑन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। सिंपली पर जो है ROG कैमरा एप्लीकेशन के साथ जो HDR मोड का जो ऑप्शन से काम करेगा। प्लस पर जो वीडियो के ऊपर जो फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, स्टेबलाइजेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर OIS EIS का जो ऑप्शन से काम करता है। प्लस इस ऑप्शन के साथ जो है पर इस तरह से आप जो है वार्निंग्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। प्लस पर टाइम लैप्स का ऑप्शन है, यहाँ पर टाइम लैप्स का जो ऑप्शन है फिलहाल काम नहीं कर रहा है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। एंड यहाँ पर स्लो मोशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो सेल्फी पैनोरामा का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस तरह से इस भी जो ऑप्शन से अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है, प्लस पर जो स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है, जिस हमने नोटिस किया है। एनीवे बात कर लेते हैं सेटिंग्स मेनू के बारे में, सेटिंग्स मेनू को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते देखते क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है सेटिंग्स मेनू के साथ। सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर 4:3:16:9 का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, टाइमर का ऑप्शन है, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, फ्लैश लाइट काउंटडाउन इंडिकेटर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर वाटरमार्क का ऑप्शन है, या से आप जो डेट, टाइम, डिवाइस नेम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, या से आप जो है Asus का जो ROG का जो वाटरमार्क है भी सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस कस्टम वाटरमार्क का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर टच शटर का ऑप्शन है। इस फीचर को एनेबल करने के बाद जो सिंपली यहाँ पर जो है यहाँ पर टैप करके आप जो फोटो को क्लिक कर सकते हो, पर जो सिंपली टैप करके पर जो फोटो को क्लिक करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर टच शटर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। प्लस पर जो प्री ऑटो फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन है, स्कैन QR कोड का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर जो कीप लास्ट मोड का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद जो है सिंपली यहाँ पर जो जैसे कि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद जो है अगर आप कैमरा एप्लीकेशन को एग्जिट करते हो तो ऑटोमेटिकली जब भी आप नेक्स्ट टाइम कैमरा एप्लीकेशन को ओपन करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो वीडियो मोड में ही ओपन होगा। तो इस तरह से आप जो ये जो ऑप्शन से काम करते हैं। प्लस एडिट कैमरा मोड्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो प्रो मोड का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। इस तरह से आप जो ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर पैरानोमा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से काम करेगा, एंड हॉरिजेंटल लेवल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर ग्रिड टाइप का जो ऑप्शन से काम कर सकेगा, इसे भी ऐड किया गया है। कैमरा साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है सेव लोकेशन एज
यहाँ पर जो सेव लोकेशन का जो ऑप्शन काम कर सके इसमें ऐड किया गया है। वॉल्यूम बटन के साथ जो है आप सिंपली जूम की तरह यूज कर सकते हो, प्लस यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन को एज ए शटर बटन की तरह यूज कर सकते हो, इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर वाइब्रेशन फीडबैक का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर बात कर ले सबसे पहले यहाँ पर जो वाटरमार्क के बारे में, तो बच्चे वाटरमार्क का जो ऑप्शन से काम करते नहीं ट्राई करके देखते, तो हमने सिंपली यहाँ पर जो डिवाइस नेम का जो ऑप्शन है इसे हमने इनेबल किया है। उसके बाद जो फोटो क्लिक करके देखते किस तरह से पर फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा, तो हमने एक फोटो क्लिक किया है एंड देख सकते हैं बच्चे आरओजी का जो वाटरमार्क यहाँ पर देने को मिल रहा है। और अच्छे से फोटो क्लिक करके देखते तो यहाँ पर जो फोटो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पर आरओजी का जो वाटरमार्क ही देने को मिल जाएगा। काफी बढ़िया बात है, इस तरह से पर आरओजी का जो वाटरमार्क है यहाँ पर इस कैमरा एप्लीकेशन के साथ जो काम कर रहा है, काफी बढ़िया बात है। इस तरह से ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर टाइमर जो है इनेबल हो जाएगा। इस हमने नोटिस किया, इस तरह से मुझे टाइमर का जो ऑप्शन देने को मिलेगा इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है आरओजी कैमरा एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर एडिट कैमरा मोड्स का ऑप्शन है, तो बच्चे प्रो मोड है इसे भी ट्राई करके देखते किस तरह से बच्चे प्रो मोड काम करते हैं। तो बच्चे प्रो मोड के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पर प्रो मोड के ऊपर ऐसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐसे भी ऑप्शन अवेलेबल है, पर मैनुअल फोकस का ऑप्शन है यहाँ पर, इस तरह से बच्चे मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। तो बच्चे मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा देख सकते हो, प्लस यहाँ पर शटर स्पीड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो शटर स्पीड का जो ऑप्शन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है आरओजी कैमरा एप्लीकेशन के साथ। एंड यहाँ पर जो आईएसओ का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस तरह से बच्चे आईएसओ का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस ईवी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इस तरह से बच्चे यहाँ पर जो शटर स्पीड का जो ऑप्शन से काम नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर आईएसओ का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसे ऐड किया गया है, बट ईवी का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर जो है यहाँ पर सुपर रेजोल्यूशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस तरह से इसे भी जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। एंड सिमिलर ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो है आरओजी कैमरा एप्लीकेशन के साथ जो है पर प्रो मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, बट फोटो वीडियो मोड का जो ऑप्शन से काम कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो बच्चे फोटो सेटिंग्स के ऊपर जो ऐसे ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं वीडियो सेटिंग्स के बारे में, पर वीडियो सेटिंग्स के ऊपर वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है। तो बच्चे वीडियो सेटिंग्स के ऊपर सबसे पहले बच्चे टाइमर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का ऑप्शन है। फ्लैश लाइट, काउंट डाउन, इंडिकेटर का ऑप्शन है। यहाँ पर वीडियो फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जो है H.264 एंड H.265 में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। यहाँ पर ऑटो फ्रेम रेट का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है, पर पावर सेविंग बटन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसमें ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है पावर सेविंग बटन का ऑप्शन है, प्लस एडिट कैमरा मोड्स का ऑप्शन है, ग्रिड टाइप कैमरा साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, सेव लोकेशन का ऑप्शन है। तो इस तरह से सभी जो ऑप्शन ऐड किया गया है आरओजी कैमरा एप्लीकेशन के साथ, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर जो है आसूस आरओजी कैमरा एप्लीकेशन के साथ जो वाटरमार्क का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, विदाउट रूट ए जो कैमरा एप्लीकेशन है काम करते हैं, पर एचडीआर वीडियो पर जो एचडीआर फोटो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, पर फोटो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पर एचडीआर फोटो का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस वाटरमार्क का जो ऑप्शन से काम कर रहे हैं, पर एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 13, तो यहाँ पर एंड्रॉइड 10 से एंड्रॉइड 13 सभी एंड्रॉइड वर्जन के साथ ये जो आसूस आरओजी कैमरा एप्लीकेशन है जो है काम कर जाएगा, विदाउट रूट काम करेगा। पर कस्टम नाम के साथ भी काम करते हैं, पर वन यूआई सैमसंग का जो वन यूआई हो जाए, कलर ओएस, ऑक्सीजन ओएस, प्लस पर जो है रियलमी यूआई, एमआईआई 12, एमआईआई 13, एमआईआई 14 कस्टम नाम के साथ भी ये जो आसूस आरओजी कैमरा एप्लीकेशन काम कर जाएगा। एंड डेफिनेटली ये जो आरओजी कैमरा एप्लीकेशन से ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर। बेसिकली ये जो आरओजी कैमरा एप्लीकेशन इसे एक्सपीरियंस करने के लिए किस तरह से यहाँ पर जो है आसूस डिवाइस के ऊपर जो है कैमरा यूआई देने को मिलता है, तो यहाँ पर जो इस तरह से सभी जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर देख सकते हो डबल टैप टू या बच्चे डबल टैप करके बच्चे सिंपली यहाँ पर जो फोटो क्लिक कर सकते हो, प्लस इस ऑप्शन के साथ जो ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट करने का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड इस तरह से अगर बात करें यहाँ पर जो सेटिंग्स में जाके सिंपली यहाँ पर जो यहाँ पर सिंपली जूम का जो ऑप्शन है सिलेक्ट करते, पर सेट वॉल्यूम की एस जूम का जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है, सिंपली यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन के साथ आप जूम कर सकते हो। यहाँ पर जो है फोटो के ऊपर जो 10x तक जूम का ऑप्शन है। यहाँ पर वीडियो की अगर बात करें पर वीडियो के साथ जो है पर इस तरह से
10x तक जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। तो डेफिनेटली जो आडो जो कैमरा एप्लीकेशन है, इसे ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर, एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जीकेएम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अलग अलग गूगल कैमरा का जो वीडियो है उसे जरूर से चेकआउट करके देखना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।